तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं बना रहा हूँ मेरे चैनल के लिए। एंड आप सबको पता है कि अभी त्रिपुरा के खुमलुंग पे अभी यूथ फेस्टिवल चल रहा है, और तो एंड हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ड्राइविंग पे है मिस्टर सर जुबियल सर, ड्राइविंग पे है। अरे मास्क खोल के दिखा, नहीं चाहिए। मास्क खोल के दिखा। और पीछे है हमारे ये है MLA और जुलाई, और हमारे और एक दोस्त आ रहा है अभी, वेट कर रहे हैं। और हम निकलेंगे अभी सीधा खुमलुंग के लिए, और मैं ब्लॉग तो बना ही रहा हूँ, आप लोगों को दिखाएंगे जाते जाते रास्ते कैसे होता है और क्या है, और ये फ्लावर सिटी ऑफ फ्लावर ही बोलते हैं ना, हाँ सिटी ऑफ फ्लावर कैसा है सब कुछ देख पाओगे ब्लॉग में। सो कीप टच इन ब्लॉग। बहुत ही ज़्यादा जाम है यहाँ पे, एंड पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। अभी 4:15 हो चुका है, एंड पता नहीं हम लोग कब तक पहुँचेंगे, 5 बजने से पहले पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ये सर तो अच्छे से ड्राइविंग कर ही रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे वहाँ पे। एंड गाइस, हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। रोनाल्ड हाई खाई दे। ओके तो गाइस, अगरतला पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है अभी। अगरतला क्रॉस बस सिटी क्रॉस किया, अभी चंद्रपुर पे है। बस अभी 4:30 बज गया ऑलरेडी, बस दिखाता हूँ, देखो बस यहाँ पे है चंद्रपुर का जो क्या था ये, चंद्रपुर का बस स्टैंड। हाँ, चंद्रपुर का बस स्टैंड यहाँ पे है सामने ही। ये क्रॉस करके बहुत और भी किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर के आसपास। सो देखते हैं 5 बजने से पहले पहुँच जाएंगे या नहीं। एंड गाइस, प्रोग्राम तो 3 बजे से ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है, बट हम लोग लेट पहुँचेंगे, मे बी बहुत लेट। यहाँ पे ग्लास बहुत गंदा हो चुका है, सो पानी लेके डालना पड़ेगा। देखो बस ग्लास देखो, बहुत ही नहीं अंदर से नहीं, मतलब बाहर से बहुत गंदा हो चुका है, इतना धूल इतना पोल्यूशन, तो साफ करना पड़ेगा ना। जस्ट अभी क्या था ये, रानी बाजार क्रॉस किया जस्ट अभी, बस और 10 मिनट बचा हुआ है, 5 बज ही जाएगा। हम लोग शायद 5:30 हो जाएगा, 5:30 ही 5:30 भी पहुंच पाएंगे क्या, मे बी नहीं, 5:30 देखते हैं। बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही रोमांटिक गाना भी सुन के जा रहे हैं हम, बहुत ही मस्त एंजॉयमेंट के साथ। ओ हेलो, सो गए क्या? ए नो नो, नि मुखांग नुगिया कमगे ला दे। ए फुनुक दे और जो रडा फुनुक दे। ए नुगिया सनाय मा सनाय अंको लीडर नु सुखे में दा लीडर का पहुंच गए, जिराने पहुंच गए ना, मोहनपुर है, मोहनपुर, ओ मोहनपुर हां, जिरानिया सामने है। तो और ज़्यादा दूर नहीं है, हम मेन रोड से खुमलुंग की तरफ गली में घुस गए, गली नहीं मतलब कि खुमलुंग की जो रोड है वहाँ पे घुस गए हैं। अभी देखो बहुत सारे लोग जा रहा है, ओए होई मिलेंगे आज सबके साथ। ओ खुमलुंग, बहुत दिनों से मन था कि खुमलुंग आऊँ, बट फाइनली आज आ ही गया। बुखानी माया वाह, मतलब खुमलुंग घुसते ही थोड़ा सा ठंड ठंड ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वाह नाइस वेदर। खुमलुंग का एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है कि रोड सब ना बहुत ही क्लीन रहता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो ड्राइवर साहब, बहुत ही टेंशन में है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हमारे ड्राइवर साहब का जो माइंड है वो थोड़ा सा हिल चुका है। धीरे धीरे चला के जाना। हेलो,
आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं, ये है खुमलुंग का पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूट। और यहाँ के रास्ता बहुत ही अच्छा है, अभी पहले बहुत ही वो ख़राब हो गया था बीच में, बट अभी बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी है। ये अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं, बस अभी पहुँच नहीं वाले हम। खुमलुंग का जो मार्केट है वो सामने ही है, थोड़ा सा सामने शायद। बहुत दिनों से नहीं आया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि अभी रात भी है। सामने है मैप भी। हाँ, यहाँ से रेस्ट्रो केफ, ये वाला नया खोला था शायद, रेस्ट्रो केफ जो है। सभी लोग पैदल जा रहे हैं, ये लोग भी आएगा शायद। यहाँ पे एक असम ऑयल है और यहाँ से शुरू होता है। ये एक मार्केट है खुमलुंग का, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इधर भी सेम टू सेम दो दो बिल्डिंग है, इधर साइड, इधर इधर एक साइड और इधर में भी सेम सेम दो दो बिल्डिंग है। नहीं सॉरी, तीन तीन बिल्डिंग है, सॉरी। इधर पे एक है और उधर एक था और इधर और एक है। एंड ट्रैफिक देखो आज खुमलुंग का बहुत लोग है। वाओ नाइस, अच्छा लगा मुझे इतने सारे लोग यहाँ पे जस्ट फॉर बुबागरा। बुबागरा की वजह से आज इतना खुमलुंग पे बहुत कुछ हो रहा है आज। एंड रास्ते पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाँ त्रिपुरा में ऐसा पहली बार हो रहा है शायद। हाँ तो यस, हाँ नहीं पाया, बट यहाँ पे पीछे एक ग्राउंड था वहाँ पे, जहाँ पे हमारे बुबागरा को जो धक्का मारा गया था वो जो ग्राउंड था पीछे था। मतलब कि मेरा मोबाइल रिकॉर्ड नहीं था तो इसीलिए दिखा नहीं पाया। और यहाँ पे एक स्टैचू भी है टॉम एंड जेरी, पता नहीं एक कुछ कैफे है शायद। यहाँ पे टॉम एंड जेरी कहाँ से जाते हैं, इधर से जाते हैं ना। हाँ इधर से जाते हैं। यहाँ पे एक स्टैचू था और सामने पार्क भी है, खुमलुंग पार्क। एक दिन आएंगे। यहाँ के जो रोड है देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि अगरतला सिटी की जैसा नहीं है, क्लीन रखते हैं, बहुत ही क्लीन रखते हैं ना जुबेल। यहाँ के जो रोड वोड है तू देखना क्या हुआ, मतलब कि सामने स्टॉप क्यों है। अच्छा और इधर से जाएगा, जाना पड़ेगा इधर 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 ही इधर ही इधर ही जाएगा। अच्छा अच्छा, पार्किंग इस तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को, बट प्रोग्राम उस साइड पे है, पैदल आना पड़ेगा। अभी बजा है 5:10 और अभी पहुँचे हैं। जस्ट हमने पार्किंग किया और अभी हम बहुत दिनों के बाद खुमलुंग आए हैं। सो बहुत ही डार्क है, कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं बाद में जाके दिखाऊंगा कि रोड कहाँ कैसे जाता है, कहाँ पर जाता है सब कुछ। बाय। तो गाइस अभी पार्क पे पार्किंग करके अभी हम जा रहे हैं सामने। ये इधर ही वो है खुमलुंग पार्क है, सामने ही इस तरफ जाके। तो और बस हम अभी पहुंचे हैं। अरे महाराजा मूर्ति दादा मुक्ति से जस्ट दिखाते हैं, रुको। महाराजा वीर बिक्रम का एक स्टेचू है। फॉग भी है, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ यहाँ पे। और रास्ता देखो बहुत ही क्लीन है। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये नहीं कि प्रोग्राम है बोल के ऐसे ही कर रहा है, हमेशा ऐसे ही रहता है ज़्यादातर, बहुत ही क्लीन रहता है। और जो पार्क यंग दा पार्क इस तरफ है खुमलुंग पार्क। आएंगे एक दिन, ये भी देखेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। वहाँ पे भी और एक स्टेचू है, बहुत सारे मतलब कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल का कुछ स्टेचू है तिपरासा लोगों का। और यहाँ पे तीन तीन लोग जा रहा है बस देखो और हम भी जा रहे हैं। अभी पता नहीं कि कितना दूर पैदल जाना पड़ेगा, बस जा ही रहे हैं। जो भी ब्लॉग पे अच्छे से फेस नहीं आया, फेस दिखा ना ज़रा। और जो दिखा और जो बस जल्दी से पहुँच जाए, ठंड भी लग रहा है बहुत। बस 2 चलने के बाद फाइनली कुछ पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट और 1-2 और चलना पड़ेगा शायद, बस पहुंचेंगे, पहुंच ही जाएंगे। रास्ते पे बहुत सारे क्राउड है एंड लाइटिंग वगैरह मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है खुमलुंग स्टेडियम, इस तरफ थोड़ा सा और जाना पड़ेगा बस। तो गाइस हम
जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। जस्ट इग्नोर द गर्ल्स, ये हमारे साथ नहीं है, बस हम चार ही हैं। ऐसा मत सोचो कि कोई आया, बस हम चार ही हैं। बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, पहला शो है हमारा दो साल बाद, नई शुरुआत है। एंड बातें करेंगे, हम करते हैं शुरुआत एक गाने से जो मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो आसाम का फोक सॉन्ग है। तो गाइस अभी रात के 9:30 बज रहा है और खुमलुंग से हम निकल रहे हैं। बस देखो 9:30 बज रहा है, बस अभी निकल रहे हैं। पपोन को देख लिया, बस दो तीन गाना सुना, बस अभी निकल रहे हैं। हाय गाइस, रात के 9:30 बज रहा है, अभी हम जस्ट ख़त्म करके जा रहे हैं, मतलब कंसर्ट ख़त्म नहीं हुआ। पपोन आया, बस दो तीन गाना सुना और बस जा रहे हैं खुमलुंग के। बहुत मतलब कि 10 मिनट तक पैदल जाना पड़ेगा जहाँ पे पार्किंग है, तो बस आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत ही थोड़ा सा डार्क टाइप है एंड देन बहुत सारे फोग भी है, बहुत ठंड भी लग रहा है। सो जाते हैं पार्किंग तक पैदल, फिर दिखाएंगे। एंड अच्छा है सेहत के लिए, थोड़ा सा जाते हैं, वहाँ फ्लैश मार रहा है ये बंदा। हाँ तो जा रहे हैं। एंड ये मेरे दोस्त का है, इसको रिशा बोलते हैं। ये तिपरासा को ले, मतलब कि उन लोग का एक ट्रेडिशनल कुछ है मफलर की तरह। सो पार्किंग तक जाते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, पैदल चलते चलते यहाँ पे गाड़ी के आसपास तो आ गया, बट कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैं रिव्यू दूंगा अभी नहीं, कार के अंदर में नहीं दे सकता, मैं घर जाके अच्छे से एक रिव्यू बना रहा हूँ। एंड गाइस, अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। एंड सब्सक्राइबर्स आए थे, मिले भी हैं, एंड बहुत सारे जो लोग मिले हैं तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए मिले मुझसे, अच्छा लगा। एंड गाइस, रिव्यू देंगे, बट कौन कौन क्या 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 गाया, क्या कौन कौन आए थे, बट सब कुछ शूट तो नहीं कर पाया, बट थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे वीडियो के एंड पे, तो वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू तक देख के जाना। एंड गाइस, ब्लॉग ख़त्म करते हैं रिव्यू के बाद, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। 10 बजने को अभी 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 घर भी जाना पड़ेगा। सो टेक केयर, बाय बाय। सो हे गाइस, मैं आज नेक्स्ट डे पे ये शूट कर रहा हूँ, मतलब आज 21 तारीख है, 20 तारीख को हम खुमलुंग गए थे। एंड गाइस, बहुत ही ठंडा वंडा कुछ खाया तो गला थोड़ा सा मतलब कि बंद होने की कगार पे है, तो इसीलिए मैं कल रेस्ट किया रात भर। एंड आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस ये जो मैं वीडियो आप सामने जो अभी जो शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगा। पता नहीं खुमलुंग का व्लॉग कब अपलोड हो पाएगा, मैं देख रहा हूँ कि जल्दी से अपलोड करूँ मैं।
एंड गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बुबा ग्राह को कि इतने सब कुछ चेंजेस लाने के लिए घुमलुंग के अंदर एंड सभी तिपरासा के अंदर जो चेंजेस लाया आया है अभी वो बुबा ग्राह की वजह से है। तो बुबा ग्राह को बहुत ही बड़ा थैंक्स। एंड गाइस मुझे कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब हम वहाँ पर पहुँचे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए भी थे एंड बहुत सारे मतलब कि वहाँ पे जाके ये हुआ कि नेटवर्क चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल जीरो हो गया था। तो सब्सक्राइबर के साथ मैं कांटेक्ट कर नहीं पाया। बहुत सारे ऐसे बाद में मैसेज देखा कि उन लोगों ने मुझे देखा एंड वो लोग आकर बात नहीं कर रहे थे। वो बुरा भी लगता है कि आप लोग मुझे देख भी आप लोग आकर बात भी नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा सा बुरा होता है। बट आए थे, कुछ लोग आए थे, मीट भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे स्टेडियम पे कुमलुंग स्टेडियम पे तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जब हम गए थे तो एलिजाबेथ कले एंड सकांग देवर्मा दोनों ही गाना गा रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर नोबोनील चाकमा आए, अर्पण जमातिया एंड जिंगली पारमिता रियांग एंड जब लोकल आर्टिस्ट के अंदर बल्कि वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है, जब बोरखुंग रांखल आया स्टेज पे, मतलब कि जो जो स्टेडियम है थोड़ा सा हिलने लग गया, ऐसा लग गया कि थोड़ा सा चिंगारी लग गया, ऐसा मुझे फील हुआ। सभी ने बहुत अच्छा गाया बट बोरखुंग रांखल जब स्टेज पे आया ना तब बहुत ही शोर शराबा हो गया था। एंड जब पपोन स्टेज पे आया तब बहुत ही धमाका हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। एंड मुझे कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये है थोड़ा सा रिव्यू मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एंड गाइस इस बार जो ट्रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अभी से हो जाएगा, क्योंकि ट्रिंग पहले मतलब कि हॉलीडे नहीं था। अभी TTADC में अभी ये त्रिपुरा माता की सरकार आने के बाद ये फर्स्ट टाइम मतलब कि हॉलीडे अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ट्रिंग हमेशा 21 तारीख दिसंबर को मतलब कि इसी टाइम पे हॉलीडे मतलब कि होगा। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट करो ये इस ट्रिंग को, मतलब कि इस न्यू ईयर को, त्रिपुरा सा का जो जो न्यू ईयर है। बट ये चीज़ ध्यान पे रखो कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारे घटना हो रहा है, तो अपना भी ध्यान भी रखा करो। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग रिएक्शंस या रिव्यूज वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुरमखा हम भाई, मेरे व्लॉग देखने के लिए आज बहुत मज़ा आया कुमलुंग पे, बहुत ज़्यादा।